अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन बाई द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहान ताला एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर स्टूडेंट्स, मच अवेटेड टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड स्टूडेंट कर रहे हैं। और यहां पे आप टाइटल देख सकते हो, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है बेटा, ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। अगर पहले बात करेंगे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, किसकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया है और एडॉप्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 में। ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न द स्टेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कानून की किताब, वो लॉज, वो रूल्स या वो रेगुलेशंस जो एक स्टेट को चलाते हैं या जो सिटीजन्स पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए यहां पे एक किताब है, इस किताब में कानून लिखे हैं और इस कानून की किताब के अंडर जो नेशन है या एक कंट्री है वो चलती है, इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया आजाद हुआ बेटा, आजाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में और फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। ओके बेटा, मैं कहना चाहता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे बेटा, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था और इसमें 8 शेड्यूल्स थे। कितने थे बेटा, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है बेटा, और अगर आज की बात करेंगे, आज है 12 शेड्यूल्स, बट एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 8th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट तो यही है, इसीलिए मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया था। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, इंडिया में लिस्ट्स 22 ऑफ योर लैंग्वेजेस। तो इस शेड्यूल के अंडर इंडिया में जो लैंग्वेजेस है उन लैंग्वेजों में से, ठीक है बेटा, 22 लैंग्वेजेस जो है उनको डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है बेटा, ओके, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया नेशन में 22 लैंग्वेजेस जो है माने जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एक होती है बेटा लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो मदर टंग लैंग्वेज होती है। ठीक है बेटा, हां, एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। और जनरली बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। आगे चलेंगे बेटा, तो पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अंडर किस शेड्यूल के अंडर, यानी कि इंडिया में कौन सा शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेजेस लिखे गए हैं, यानी कि द शेड्यूल दैट डील्स विद द लैंग्वेजेस और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, एंड योर आंसर विल बी 8th शेड्यूल। आगे अब करेंगे बात बेटा यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये हम पढ़ेंगे, ये हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया माना जाता है। द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। शाबाश, पहला चीज बच्चा याद रखा, पहला चीज ये है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिखे गए हैं या कौन सा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। इट्स 8th शेड्यूल, इजंट इट, एंड हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। ओके, लेट अस डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। यहां पे आपको क्या करना है बेटा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नीचे ऑप्शंस में रहेंगे चार ऑप्शन और चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं होगी।
ठीक है बेटा, तीन ऑप्शन लैंग्वेज होंगे और एक ऑप्शन लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है बच्चा, ओके, या तीन ऑप्शन लैंग्वेजेस नहीं होंगे, एक ऑप्शन लैंग्वेज होगी, यानी कि एक ऑप्शन होगा ऑप्शन लैंग्वेज और तीन जो होंगे वो ऑप्शन लैंग्वेजेस नहीं होंगे। इसलिए करना क्या है बेटा, इसलिए पहला चीज जो है वो आपको याद करने है, ये ऑप्शन लैंग्वेजेस जो 22 है, एक है पहले आसामी, क्या है बेटा आसामी, बाद में देखेंगे कि इन लैंग्वेज को कहां कहां पर बोला जाता है, यह भी बड़े डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। आसामी लैंग्वेज की बात करेंगे, बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज, इसके बाद है गुजराती, उसके बाद है बेटा क्या हिंदी, इसके बाद है कन्नड़, कन्नड़ लैंग्वेज, उसके बाद है बेटा कश्मीरी, जो कि आपको पता है कश्मीर में बोली जाती है ये लैंग्वेज, इसके बाद है कोंकणी, ठीक है बेटा कोंकणी, इसके बाद है मलयालम लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज, और है मणिपुरी, मणिपुरी, और है मराठी लैंग्वेज, इसके बाद है नेपाली लैंग्वेज, इसके बाद है उड़िया लैंग्वेज, उड़िया भी इसको कहते हैं, उड़िया भी, ठीक है, इसके बाद है पंजाबी, जो कि ऑप्शन लैंग्वेज या पंजाब मानी जाती है, इसके बाद अगर देखोगे तो संस्कृत, संस्कृत, ठीक है बेटा, इसके बाद है सिंधी लैंग्वेज, इसके बाद है तमिल लैंग्वेज, इसके बाद है तेलुगु लैंग्वेज, उर्दू, बोडो लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज, मिथाली लैंग्वेज, मिथाली, मिथाली, ठीक है बेटा, ओके, एंड डोगरी। ये लैंग्वेज जो है ना बेटा, ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेज जो यहां पे है, जो दिया गया है, ये माने जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ओके गुड। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है बेटा, इसमें से कुछ लैंग्वेजेस है जिनका नाम मिलता है स्टेट के साथ, जैसे गुजराती तो गुजरात, आसामी तो आसाम है कि नहीं, कश्मीरी तो कश्मीर है बेटा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे मणिपुरी तो मणिपुर, ऐसे मराठी, नेपाली, उड़िया, उड़ीसा, पंजाबी, पंजाब, ऐसे तमिल, तमिल लैंग्वेज, तमिलनाडु, तो कुछ लैंग्वेजेस है जिनके नाम मिलते हैं बेटा, मैच होते हैं स्टेट्स के साथ, तो इन लैंग्वेजेस को कहां कहां पे बोला जाता है, कुछ लैंग्वेजेस को आप यहां से यानी कि नाम से पहचान सकते हो कि ये लैंग्वेजेस कहां पे बोले जाते हैं, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और दीज लैंग्वेजेस, अगर लैंग्वेजेस की बात करेंगे, यानी कि जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस माने जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनफोर्स किया गया ना बच्चा 26 जनवरी 1950 में, वो 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे एवरी ईयर, एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there were only 14 languages that were recognized as official languages by the constitution of india, pehle to sirf 14 languages the initially pehle included in the constitution jinko constitution mein include kiya gaya tha, theek hai beta, agar ye 14 languages the ye 22 kaise bane, baki jo hai na beta baki languages inko include kiya gaya, add kiya gaya amendment ke zariye, sir ye amendment kya hota hai pehle main ye samjhaoga beta, maan lijiye ये मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, मैं अब यहां से कैप लाऊंगा और इस पेन पे रखूंगा, इस पेन पे कोई चेंज आएगी, हां सर पेन की जो शेप है वो अलग हो जाएगी, इसका मतलब कि चेंज हुई, मैंने कुछ एर किया, अब मेरे पास पेन है, मैं इसका आधा हिस्सा निकालूंगा तो चेंज आएगी, यस सर आएगी, यानी कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज एड किया या कोई चीज निकाला, इसका मतलब यह है कि चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कहते हैं अमेंडमेंट, क्या कहते हैं बेटा अमेंडमेंट, जब भी अमेंडमेंट की बात होगी तो आप यह समझ लेना कि कुछ निकाला होगा कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज एड किया होगा। तो यहां लैंग्वेजेस की बात करेंगे, पहले 14 लैंग्वेजेस थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आज 22 है, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमेंडमेंट के जरिए लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है या रिमूव किया गया है, कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। आगे अब हमारे पास सिंधी लैंग्वेज, पहले सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाई 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, यहां से बेटा आपका सवाल बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑब्वियसली बन सकता है, पहले कितने लैंग्वेजेस थे जो रिकॉग्नाइज किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने एज ऑप्शनल लैंग्वेजेस, ओनली 14, ये सवाल भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है कि 15th लैंग्वेज को कब ऐड किया गया और इस लैंग्वेज का नाम क्या है, सिंधी लैंग्वेज 15th लैंग्वेज बनी ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जिसको ऐड किया गया किस अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, ओके आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद कोंकणी लैंग्वेज
मणिपुरी एंड नेपाली, यानी कि और तीन लैंग्वेज को ऐड किया गया, ऐड किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कब सर? 71st अमेंडमेंट 1992। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली बन सकते हैं बेटा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 16th लैंग्वेज, 17th लैंग्वेज एंड 18th लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज वर एडेड, वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इनको एड किया गया। आगे 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 चलते, यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ। इसके बाद है बोडो लैंग्वेज, डोगरी एंड मिथाली लैंग्वेज एंड सिंथाली लैंग्वेज, दीज आर द फोर लैंग्वेजेस, ये चार लैंग्वेजेस है बेटा वर एडेड बाय द, जिनको एड किया गया 92nd अमेंडमेंट के जरिए, 92nd अमेंडमेंट के जरिए, शाबाश, 92 अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है बेटा, अमेंडमेंट एक्ट कब? 2003 में, और 18+4 जब हम करते हैं वो बन जाते हमारे 22, ठीक है बेटा। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली इस पे सवाल बन सकता है 2003 में। और यहां से एक और सवाल बनता है कि 2003 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, 1967 में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, 15th लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इन चीजों पे आप ख्याल रखें बेटा, क्योंकि एग्जामिनर जो है, जो पेपर्स को क्या करते हैं बेटा, फ्रेम करते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, आगे, विच केम इन टू फोर्स इन 2004 द लैंग्वेज ऑफ इंडिया और मेंशन, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आई कैन से गोल्डन पॉइंट इन द होल लेक्चर। 344, आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 1 की अगर बात करेंगे तो कहां तक बेटा? आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल जो है बेटा, दीज आर्टिकल्स डील्स विद द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया That are recognized as official languages. ये लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखे गए हैं बेटा? 344 क्लास 1 से लेकर 351. Now, important point है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनको हम पार्ट्स कहते हैं, और प्रेजेंटली 25 पार्ट्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन पार्ट्स में से एक पार्ट है, दैट इज पार्ट 17, पार्ट 17 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी, पार्ट 17 डील्स विद द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, पार्ट 17 डील्स विद लैंग्वेजेस। तो तीन चीजें याद रखें, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस हैं, पार्ट 17 में ये पॉइंट नोट करिए, इसको बोलना मत, ठीक है बेटा, पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ आर्टिकल 344A एंड 351 तक, ठीक है बेटा। आगे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 1967 में, किस अमेंडमेंट के जरिए? 21st अमेंडमेंट के जरिए। लेट अस मूव ऑन, दिस इज गोइंग टू मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग। इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पहले इस पॉइंट को क्लियर करें। अक्सर बच्चे ये काम करते हैं, वो गलत कर बैठते हैं इस क्वेश्चन को कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। नो, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज अपनी नहीं है बेटा, फिर क्या? इनस्टेड द कंट्री रिकॉग्नाइजेज हिंदी, यानी कि जिसको दिवांगरी स्क्रिप्ट भी कहते हैं, एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंटल पर्पज, गवर्नमेंटल पर्पज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए इंडिया के गवर्नमेंट ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है दो लैंग्वेजेस को, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस गवर्नमेंट पर्पज के लिए। गवर्नमेंट पर्पज के लिए दो लैंग्वेजेस को माना जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, एक है शाबाश, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं, बल्कि गवर्नमेंट पर्पज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए दो लैंग्वेजेस को क्या किया गया? दो लैंग्वेजेस को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। गुड, आगे चलते हैं। अब एक क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात यहां पे, इंडिया है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंडिया के 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस थे? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे इंडिया के, एक तमिल, एक तेलुगु, तेलुगु के अलावा मलयालम, मलयालम के अलावा कन्नड़, कन्नड़ के अलावा संस्कृत और उड़िया, उड़िया उड़िया भी इसे कहते हैं। ये 6 लैंग्वेजेस जो थे ये क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया थे, बट रिसेंटली कुछ और लैंग्वेजेस इनमें ऐड किए गए, ठीक है बेटा, बट पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड दिस स्टेटस टू 5 मोर लैंग्वेजेस, यानी कि 5 और लैंग्वेजेस
इन सिक्स लैंग्वेजेस के साथ, यानी कि जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, इनके साथ ऐड किया। अब टोटल क्लास की लैंग्वेज जो है वो है 11, ठीक है बेटा। विचार जिनको रिसेंटली ऐड किया गया वो है मराठी, बंगाली, आसामी, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। दीज आर द फाइव लैंग्वेजेस जिनको ऐड किया गया किन के साथ, सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ, और प्रेजेंटली 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ठीक है बेटा। ओके नाउ मोहन शाबाश, यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नाउ इंडिया हैज 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंडिया के अब 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। आउट ऑफ दीज 11 लैंग्वेजेस, इन 11 लैंग्वेजेस में से टू लैंग्वेजेस आर नॉट इंक्लूडेड, दो लैंग्वेजेस नहीं है इंक्लूड 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पाली एंड प्राकृत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है बेटा, उनमें से दो लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पाली एंड द सेकंड वन दैट इज प्राकृत। ओके, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया की बात करेंगे, यानी कि मोस्ट स्पोकन का मतलब जो सबसे ज्यादा लोग इंडिया में बोलते हैं, और पहले नंबर पे हिंदी लैंग्वेज है 52.83 करोड़ स्पीकर्स है, ठीक है बेटा। ओके, ऐसे ये बंगाली सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे है मराठी, ये भी याद रखिए, ये भी याद करिए, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब बेटा कि ये लैंग्वेज जो है किस लैंग्वेज को किस स्टेट में बोला जाता है, पहली है शाबाश आसामी, आसामी लैंग्वेज, ये तो आपको वर्ड से ही पता चलता है आसामी लैंग्वेज कहां पे बोली जाती है, आसाम में, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज आसाम में बोली जाती है, ठीक है बेटा। ओके, वो है आसामी। इसके बाद है बंगाली, ये तो आपको वर्ड से यहां से आप मैच कर सकते हो, बंगाली इज वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ त्रिपुरा में भी बंगाली लैंग्वेज को बोला जाता है। इसके बाद है बोडो लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज कहां पे बोली जाती है, आसाम में, कुछ लोग ये लैंग्वेज भी बोलते हैं। आगे इसके बाद है हमारे पास डोगरी लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज, और डोगरी लैंग्वेज को कहां पे बोला जाता है बेटा, डोगरी लैंग्वेज को बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है गुजराती लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज शाबाश वर्ड से मैच करो, ये गुजरात में बोली जाती है, दादरा एंड नागरा हवेली में ये लैंग्वेज बोली जाती है, और इसके साथ साथ दमन एंड दो में, ठीक है बेटा, दादरा एंड नागरा हवेली, गुजरात एंड दमन एंड दो। इसके बाद मलयालम की बेटा बात करेंगे, मलयालम की बात करेंगे, मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है केरला में, इसके साथ साथ लक्षद्वीप में, शाबाश केरला में, और इसके साथ साथ लक्षद्वीप है। आगे है बेटा मणिपुरी, मणिपुरी, ये मणिपुरी तो आप मैच कर सकते हो, मणिपुरी लैंग्वेज स्पोकन इन मणिपुर, इसको मणिपुर में बोला जाता है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र और इसके साथ साथ गोवा, ठीक है बेटा। आगे है नेपाली, नेपाली लैंग्वेज कहां पे बोली जाती है, सिक्किम में, क्योंकि इसको ऐसे याद रखो सिक्किम किसके नजदीक है, नेपाल के नजदीक, ठीक है बेटा। ओके ओके, आगे है उड़िया लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज, ये उड़िया तो ये है उड़ीसा, उड़िया से उड़ीसा, ठीक है बेटा, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा। ओके, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पंजाबी, 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 पंजाबी मिलाओगे पंजाब के साथ, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां, पंजाब की, और ये बोली जाती है कहां पे बेटा, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ और पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। आगे सर हरियाणा, हरियाणा में भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे है बेटा संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो बोली जाती है, यहां देखो आप उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, संस्कृत, और उत्तराखंड में भी संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद है संथाली लैंग्वेज बेटा, संथाली लैंग्वेज जो है इज स्पोकन बाय संथाली पीपल, ये बोली जाती है किनके द्वारा, संथाल पीपल के द्वारा, जो कि कहां रहते हैं, झारखंड में, एज वेल एज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, आसाम के साथ बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में ये संथाली लैंग्वेज बोली जाती है। और खासकर आप याद रखें, इट इज स्पोकन बाय संथाल पीपल ऑफ झारखंड, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट जरूर आप याद रखें, संथाल पीपल ऑफ झारखंड आर स्पीकिंग, क्या बोलते हैं ये, संथाली लैंग्वेज। ओके गुड, आगे चलते हैं, कोंकणी लैंग्वेज जो है ना बेटा, कोंकणी लैंग्वेज जो है, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस लैंग्वेज को बोला जाता है इन स्टेट्स में, किन स्टेट्स में, एक है बेटा गोवा,
एक है बेटा गोवा, गोवा में द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, यानी कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज जो है ये गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा, क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके आगे है और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब है यहां से कर्नाटका, कर्नाटका की अगर बात करेंगे बेटा, कर्नाटका की अगर बात करेंगे, कर्नाटका स्पोकन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरा कन्नड़ उडुपी एंड दक्षिणा कन्नड़, ठीक है बेटा, इन एरियाज में ये लैंग्वेज बोली जाती है, और महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे केरला की बात करेंगे, केरला में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये लैंग्वेज बोली जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके अब अगर बात करेंगे बेटा हम, यहां से अगर हम बात करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की, ठीक है बेटा, तो पहला चीज ये है बेटा आपको याद क्या रखना है, इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे बनाऊंगा आपके लिए और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है बेटा। हाँ, अगर आपने ये लेक्चर समझा तो आप जरूर इन सारे सवालों का जवाब दोगे, एक सेकंड में आप जवाब दोगे। पहला सवाल यह है, पहला सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फोर्स में कब लाया गया, शाबाश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब फोर्स में लाया गया, एनफोर्स कब किया गया, तो पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949, सेकंड ऑप्शन 26 जनवरी 1949, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबो, ठीक है बेटा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब फोर्स में लाया गया, तो पहला ऑप्शन जो है आपके सामने वो है 26 नवंबर 1949, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन, ठीक है बेटा। इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया इस पर कुछ एमसीक्यूज हम यहां पर ही कर लेंगे और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे इस वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में जिनको रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, पहला ऑप्शन 14, सेकंड वन 22, थर्ड वन 20, फोर्थ वन 25, ठीक है बेटा। हाँ, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 14, 22, 20 एंड 25, ये दूसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो यहां पे लिखूंगा, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेज, डील्स विथ लैंग्वेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन शेड्यूल में से कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के साथ क्या करता है, डील करता है, ठीक है। ऑप्शन वन 12, सेकंड 11, थर्ड 7, फोर्थ 1, एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ये है आपके लिए और एक एमसीक्यू। आगे और एक क्वेश्चन यहां पे, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, Which among the following language is not mentioned in 8th Schedule of Indian Constitution? इन languages में से कौन सी लैंग्वेज है जो 8th Schedule of Indian Constitution में mention नहीं है, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। पहला ऑप्शन जो है वो रहेगा नेपाली, दूसरा ऑप्शन कश्मीरी, थर्ड वन हिंदी, फोर्थ वन पहाड़ी, पहाड़ी लैंग्वेज,
यानी कि इन चार लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज है जो क्या नहीं है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है या जो एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेजेस। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है उन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट है जो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ, किन के साथ बेटा, लैंग्वेजेस के साथ। पहला ऑप्शन पार्ट 15, सेकंड पार्ट 12, थर्ड पार्ट 17, ठीक है बेटा, ओके 17, फोर्थ पार्ट 20। कौन सा पार्ट है जो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, ये रहेगा और एक क्वेश्चन आपके लिए। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहां पे, और एक सवाल जो है बेटा, विच लैंग्वेज वॉज एडेड बाय द 21st Amendment Act in the list of ऑप्शनल लैंग्वेजेस। किस लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट के जरिए, किस लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट के जरिए किस लिस्ट में, ऑप्शनल लैंग्वेज के लिस्ट में। पहला ऑप्शन जो है वो रहेगा नेपाली, सेकंड वन मणिपुरी, थर्ड वन आसामी, फोर्थ वन नन ऑफ द अबो। किस लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट के जरिए, नेपाली मणिपुरी आसामी। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक पे, ताकि हम एक ही वीडियो में, एक ही शॉट में हम इसको क्या करेंगे बेटा, एक वन शॉट में इसको हम खत्म करेंगे। अब और एक सवाल, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने लैंग्वेजेस को पहले इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है बेटा, एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट। शाबाश, ऑप्शन वन 15, सेकंड वन 14, थर्ड वन 15-14, थर्ड वन 13 एंड फोर्थ वन 12। इसमें से आपको एक पे टिक करनी है, ठीक है बेटा, ओके। अब कुछ और एमसीक्यूज करेंगे हम इस पे। यहां पे कोंकणी लैंग्वेज एंड मणिपुरी, कोंकणी एंड मणिपुरी वर एडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कोंकणी और मणिपुरी लैंग्वेज को ऐड किया गया लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है बेटा, बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के जरिए, बाय विच अमेंडमेंट। पहला ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 97 अमेंडमेंट, 92nd यानी कि 92 अमेंडमेंट, ठीक है बेटा। इसके बाद 71st अमेंडमेंट और लास्ट में 44th अमेंडमेंट, ठीक है बेटा, ओके। आपको एक ऑप्शन पे टिक करनी है। अब है
और एक सवाल मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहता हूं, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है और गवर्नमेंटल पर्पस के लिए किन दो लैंग्वेजेस को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया? ठीक है बेटा, ओके। और एक सवाल जो आपका बनेगा, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है? यहां पे मैं लिखूंगा सवाल, ऑप्शन में 10 रहेगा, 11, 12, 15। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इंडिया में कितने ऑफिशियल कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है प्रेजेंटली की अगर हम बात करेंगे, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है। और इसके साथ साथ और एक सवाल है कि पहले कितने इनिशियली कितने इंडिया में क्या थे क्लासिकल लैंग्वेजेस, पहले की बात करते हैं तो कुछ लैंग्वेजेस को अभी ऐड किया गया इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, बट इनिशियली कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस थे और उनका नाम क्या क्या है? ठीक है बेटा, तो यहां पे आप देख सकते हो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड उड़िया लैंग्वेज जो है ये पहले थे क्लासिकल लैंग्वेज। अब कुछ और लैंग्वेजेस ऐड किए गए इस लिस्ट के साथ, टोटल कितने हैं आपको जवाब खुद देना है। ओके, और एक सवाल जो आपके लिए रहेगा बेटा कि इंडिया में भारत में किस लैंग्वेज के सबसे ज्यादा स्पीकर्स है? ठीक है बेटा, ओके, ऑप्शन में यहां से दूंगा, सबसे ज्यादा स्पीकर्स इंडिया में किस लैंग्वेज के है? पहला ऑप्शन इंग्लिश, सेकंड हिंदी, थर्ड उर्दू, फोर्थ वन गुजराती। ठीक है बेटा, हाँ, इन चार लैंग्वेजेस में से सबसे ज्यादा स्पीकर्स किस लैंग्वेज के है और कितने हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ मेरा जो क्वेश्चन आपके लिए है बेटा वो है, जम्मू एंड कश्मीर में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? शाबाश, जम्मू एंड कश्मीर में जेएनके की अगर बात करेंगे, जेएनके की यहां पे डोगरी लैंग्वेज भी बोली जाती है और डोगरी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितने हैं, मैं यहां से बताऊंगा, 5 है। और कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनका लिस्ट आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है बेटा, ओके, ये कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए और ये मुझे लगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, ओके, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने सब कुछ समझा होगा जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक खुदा हाफिज़।